नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus versus Samsung Galaxy M55 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 6.4 इंच जबकि M55 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 2.94 इंच जबकि M55 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 14 Pro Plus में 0.34 इंच जबकि M55 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 14 Pro Plus में 210.8 ग्राम जबकि M55 5G में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 14 Pro Plus में AMOLED जबकि M55 5G में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो नोट 14 प्रो प्लस में 20:9 जबकि M55 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो नोट 14 प्रो प्लस में 6.67 इंचेस जबकि M55 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन नोट 14 प्रो प्लस में 1220x2712px FHD+ और M55 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नोट 14 प्रो प्लस में 88.49% जबकि M55 5G में 86.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो नोट 14 प्रो प्लस में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M55 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोट 14 प्रो प्लस में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और M55 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M55 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और M55 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Adreno 740 जबकि M55 5G में Adreno 644 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और M55 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 14 Pro Plus में 12 GB जबकि M55 5G में 8 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Note 14 Pro Plus में 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि M55 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 14 Pro Plus में नहीं है जबकि M55 5G में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Note 14 Pro Plus में 6200 mAh जबकि M55 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 3
कलर्स, जबकि M55 5G में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो Note 14 Pro Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 2,299 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M55 5G की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M55 5G की, तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में नोट 14 प्रो प्लस आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M55 5G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्रो 5G है, तीसरा वीवो Y200 प्रो 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें मोटोरोला H50 फ्यूजन 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।